तो दोस्तों, डल लेक का व्यू स्टार्ट किया। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, यह है श्रीनगर कश्मीर की डल लेक, जो दूर पहाड़ों के बीच में गिरी हुई है। पहाड़ों के दरमियान में है, उस पार धुंध और कोहरा है इस वक्त। तो आज जबकि श्रीनगर का टेम्परेचर 3-4 डिग्री 5 डिग्री के बीच में है, 3 और 5 डिग्री के बीच में अप्रॉक्सीमेटली। तो आज का व्यू आपको दिखाएंगे कश्मीर का। ये डल लेक के साइड से हम इस वक्त गुजर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं यहाँ का लाइव व्यू। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइव और सब्सक्राइब करें। लाइक, सब्सक्राइब और बेल का बटन दबाना ना भूलें। तो ये शायद कोई बड़ी मशीन है जो यहाँ लाइटिंग वगैरह फिट करने के लिए यूज़ होती है। यहाँ दोनों साइड पे डल लेक का नज़ारा है, इस तरफ भी लेक है और इस तरफ भी लेक है, जो कि सामने से सूरज की लाइट पड़ रही है जिसकी वजह से नज़र नहीं आ रही। ये अभी इस तरफ से हम आए हैं, तो आप देख रहे हैं, मैं आपको लाइव नज़ारा दिखाऊंगा। इस वक्त दरख्तों पे पत्ते नहीं होते हैं क्योंकि पतझड़ का मौसम है, तो फिर भी कुछ ऐसे दरख्त होते हैं जिनके पत्ते जितनी मर्ज़ी ठंड हो जाए उसमें भी नहीं गिरते हैं। तो यह एक घाट है जहाँ पे शिकारे वगैरह में बैठ के लोग इंजॉय करते हैं जहाँ से। तो ये रोड साइड पे एक सब्ज़ी वाला है जो कि सब्जियां बेच रहा है। इनके पास काफ़ी किस्म की सब्जियां हैं और इस ठंड में ये चाय एंजॉय कर रहे हैं। तो रोड के बीचों बीच स्ट्रीट लाइटें हैं, बहुत ही प्यारी। डिवाइडर के बीच में बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे पौधे हैं जो कि खूबसूरती के लिए लगाए हैं। यहाँ का नज़ारा और भी मौसम बहार में, यानी कि अप्रैल मई के बाद, और भी खूबसूरत हो जाता है। इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। अब कश्मीर का मौसम वो तो वर्ल्ड लेवल पे मशहूर है, तो मैं कोशिश करूँगा वीडियो जितनी शॉर्ट बना सकूँ, और गाड़ी इसलिए मैं स्पीड से भगा रहा हूँ ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो यहाँ कश्मीर का कल्चर भी साथ में नज़र आएगा और डल का व्यू भी। डल लेक बहुत खूबसूरत झीलों में से एक झील है हमारे कश्मीर की। यूँ तो और भी नगीन लेक, मानसवल लेक, बुलर लेक और बहुत सारी लेक्स हैं, तो लेकिन ये डल लेक क्योंकि सेंटर पॉइंट पे है इसलिए ज़्यादा मशहूर भी है और ज़्यादा खूबसूरत भी है। तो यहाँ ये देखें आप, ये डल के साइड पे कमल के फूल की टहनियाँ और नंदरू के नाम से जाना जाती हैं। कमल की जो लकड़ी है बेस, उसको स्टेम्स, उसको नंदरू कहा जाता है। तो यहाँ नंदरू की बड़ी मशहूर डिश तैयार होती हैं, शायद आप लोगों ने इंजॉय की भी हो। बड़ी प्यारी डिशेज बनाई जाती हैं, नंदरू की चखनी, नंदरू के पकौड़े, नंदरू की सब्ज़ी, नंदरू का अचार, बहुत कुछ तैयार होता है। तो मैं किसी अच्छे घाट पर रुक के आपको शिकारी का नज़ारा भी करवाऊँगा। कैमरा ही गिर गया। रोड साइड, ये चलते चलते रोड साइड पे मुझे डक्स, बतख नज़र आ गई, तो मैंने कहा मैं आपको इनका नज़ारा करवा दूँ। ये देखिए ज़रा, अवैसी आप साइड से दिखाएं, मैं गाड़ी आगे करता हूँ। आप देख रहे हैं ये कितने मज़े से चल रही हैं और आवाज़ें भी कर रही हैं। ये हंस हैं, हंस, ये हंस हैं। हंस का जोड़ा वो कुछ है, हंस चुगेगा दाना दूंगा, कौवा मोती खाएगा, कह गए राम सिया से ऐसा कलयुग आएगा। तो क्या खूबसूरत व्यू है इनका, वाओ। वहाँ उस तरफ वो बतख हैं, वो व्यू जूम करके दिखाएं। ये जल कुकड़ी के नाम से, हम चलते हैं वहाँ देखने, वो बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही हैं। इसको कहते हैं हंस की चाल चलना, हंस की चाल चल रहे हैं बड़े मज़े से। उस तरफ बतखे हैं, वो भी दिखाएं, वो और भी रंग बिरंगी हैं। दिखा रहा हूँ कि मैं जब इनकी तरफ जाने लगा तो ये
वो जो बत्तख हैं वो पानी में जा रही हैं। काश कि ऐसा ना होता, वो ना जाती तो मैं आपको इन और नज़दीक से दिखा सकता। आप देख रहे हैं इनके सर के ऊपर एक बड़ी प्यारी सी चमक है, क्योंकि अब ये दूर हैं इसलिए एकदम क्लियर तो नहीं मैं दिखा पा रहा, बट वो देखें एक ब्लैक वाली के सर पे एक शेड आ रही है। कितनी प्यारी है इसके सर पे, कितनी प्यारी शेड आ रही है जब ये गर्दन हिला रही है। वाह, तो ये यहाँ पर देखने का नज़ारा ही कुछ और है। तो अब मैं आगे नहीं जा रहा हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये डल लेक के साइड का सीन है, जो असली ख़ास सीन है ना डल लेक पे, अगर मैं दिखा पा रहा हूँ आपको तो वो कुछ शिकारे वाले हैं जो कि डल लेक को साफ़ करते हैं, इसके अंदर से डस्ट वगैरह घास डस्ट जो भी होता है वो निकाल का व्यू दिख रहा है यहाँ से। तो उसकी वहाँ पे भी मैं एक ब्लॉग बनाऊँगा ताकि आपको मैं दिखा सकूँ दरगाह हज़रत बल का पूरा नज़ारा। तो अभी चलते हैं आगे की तरफ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप मेरे साथ बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबा दें। एक ये अंकल हैं, ये भी यहाँ अंदर से एक ब्रिज है मुझे लगता है, हाँ ये अंदर से अपना शिकारा लेके दूसरी तरफ जा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, अगर ये आगे हैं, आगे 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 अंकल आगे आगे, कश्मीरी कल्चर है इनका। और ये देखें यहीं से ये शिकारा लेके बाहर आई है। यहाँ सफाई कर्मचारी हैं जो यहाँ डल का सफाई करते हैं डल की, और यूँ शिकारों में डस्ट वगैरह ये कुछ हमारे सयाह लोग टूरिस्ट लोग डाल देते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल जब नालों से बह के आ जाती हैं तो ये उनको निकाल के बाहर लेके दूर दराज इलाकों में फेंकते हैं। तो बने रहे मेरे साथ। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ, तो दोस्तों लेक कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी के ऑफिस के पास से हम निकले हैं। तो अभी यहाँ पे मैं अगर आपको दिखा पा रहा हूँ तो डल की साइड से हम जा रहे हैं आगे निशाद शायद ये रास्ते में लेफ्ट साइड पे निशाद गार्डन आता है, बहुत बड़ा गार्डन है। और राइट साइड पे ये टूरिस्ट एंजॉय के लिए घाट बना हुआ है, शिकारे हैं यहाँ पे। ये देखें आप, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा स्पॉट है। तो ये निशाद शिकारा स्टैंड, तो यहाँ से भी आप शिकारा बुक कर सकते हैं घूमने के लिए, डल का नज़ारा करने के लिए। जैसे वो शिकारे खड़े हैं दूर, तो ये मैं आपको और भी प्यारे प्यारे शिकारे नज़दीक से दिखाऊंगा नेक्स्ट गार्ड पे जाके। ये तो गार्ड नंबर 27 है, तो और आगे गार्ड हैं 26 25 24 करते करते गार्ड नंबर 1 तक भी जाएंगे। तो यहाँ बिरयानी भी इजीली मिल जा रही है, बिरयानी के कुछ ठेले लगे हुए हैं जिससे लोग आई लव श्रीनगर, यहाँ तो फ़ोटो बनता है भाई, बाकी नहीं पता है। तो चलते हैं फिर, यहाँ एक फ़ोटो हो जाए, ब्लॉगर्स और फ़ोटो ना हो। तो ब्लॉगर्स सब्सक्राइबर्स, ये है हमारा ब्लॉग मास्टर ओवेस, जो कि इस वक्त श्रीनगर में आई लव श्रीनगर साइन के बिल्कुल सामने खड़ा है, तो आपको यही सारे नज़ारे करवा रहा है। मैं तो बस इनका एज ए ड्राइवर एज ए गाइड हूँ साथ में। तो आप लोग बने रहे मेरे साथ, मैं और भी इससे अच्छे अच्छे नज़ारे करवाऊँगा। यहाँ बैक साइड पर ये निशाद गार्डन है और पीछे पहाड़ के ऊपर बर्फ़ नज़र आ रही है, ये निशाद गार्डन है। वहाँ वो लिखा हुआ है उर्दू में भी है, आई होप इंग्लिश में भी होगा, सकाफ़ती मुग़ल बाच बाग निशात। तो ये भी आपको हम नज़ारा करवाएंगे, निशात शॉपिंग कम्प्लेक्स वहाँ सामने बीच में दिख रहा है, ये भी नज़ारा करवाएंगे। तो मैं समझता हूँ आप मेरे साथ बने रहेंगे। तो दोस्तों ये हमारा श्रीनगर के निशात गार्डन के बाहर का व्यू है, निशात शॉपिंग कम्प्लेक्स, निशात गार्डन किसी दिन आपको दिखाएँगे, पूरा व्यू दिखाएँगे, निशात के ऊपर एक पूरा ब्लॉग बनेगा। तो आप मेरे साथ बने रहें, श्रीनगर के हम आपको जो हिस्ट्री से रिलेटेड और खूबसूरती से रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो सारे दिखाएंगे। आप हमारे चैनल को बराबर देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं।
ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो हमारे साथ बने रहें। ये फाउंटेन्स हैं यहाँ, नाइट का व्यू बड़ा प्यारा होता है यहाँ पे। ये डल के आप पानी के बीच में देख रहे हैं फाउंटेन्स, नाइट व्यू बहुत ही प्यारा खूबसूरत आता है यहाँ। जब रात को रंग बिरंगी रोशनियों में पानी हवा में उछल रहा हो, लहरा रहा हो, तो कितना प्यारा व्यू बनता होगा वो भी दिखाएंगे आपको। फिलहाल आप आज के दिन का व्यू देखें। दोस्तों अगर आप देख पा रहे हैं तो ये डल के बीचों बीच एक जजीरा है जो आप देख पा रहे होंगे, और बड़ा ही खूबसूरत है। यहाँ इसको चार चिनारी के नाम से जाना जाता है, जिसमें से कभी भी चार चिनार सामने नहीं दिखते हैं। अब तो ये खैर एक ही दिख रहा है, और दो जो साथ वाले हैं वो भी टूट चुके हैं, लेकिन जब थे भी तब भी चार एक साथ नज़र नहीं आते हैं। एक चिनार हमेशा छुपा रहता है, तीन ही नज़र आते थे, तो अब तो ये एक ही नज़र आ रहा है हमें। यहाँ से दो तो टूटे हुए नज़र आ रहे हैं। तो खैर ये भी अपनी जगह एक बहुत बड़ा हिस्ट्री रखता है ये पॉइंट भी, तो मैंने सोचा आपको दिखाना ज़रूरी है। व्यूज आप देख रहे हैं यहाँ से डल लेक के बीच में, ये फाउंटेन्स कुछ चल रहे हैं इस वक्त ऑन है, तो मैं वो दिखा रहा हूँ। साथ में एक हाउस बोट है बैक साइड पे, वो दिखा रहा हूँ। और साथ में यहीं से सामने चार चिनारी नज़र आ रहा है, चार चिनारी से का नाम है सेंटर पॉइंट। वहाँ पे आपको अभी तो दो ही दिख रहे हैं। तो नहीं हो, आज मौसम बड़ा धुंध वाला है, इस वजह से उतना क्लीन नज़र नहीं आ रहा। टेम्परेचर का फील हो यहाँ का, ठंड है, गाड़ी से निकलते ही ठंड लगना स्टार्ट हो जाती है भाई। बने रहे मेरे साथ, देखें मैं आपको दिखाऊंगा डल का नज़ारा। तो डल का नज़ारा करने के लिए, डल व्यू देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। तो वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने पे अब डल लेक का जो गार्डन बना है उसकी तरफ हम जाएंगे। यहाँ पे एक सामने पार्क नज़र आ रही है लेफ्ट साइड पे, कुछ शाह पैलेस कुछ है समथिंग, मैं दिखाऊंगा आपको। शाह आर्ट पैलेस, तो ये पूरी में एक शाह आर्ट पैलेस के नाम से यहाँ डल की साइड पे, वो भी आपको दिखाऊंगा। आप बने रहे मेरे साथ। यहाँ एक दरगाह सामने नज़र आ रही है, वो दिखाएंगे। तो आप अगर देख रहे होंगे तो पहले मैंने आपको दिखाया था ये चार चिनार, उस वक्त इसमें तीन चिनार नज़र आ रहे थे, फिर दो नज़र आ रहे थे, अभी तो एक ही नज़र आ रहा है। दो तो बिल्कुल हल्के फुल्के नज़र आ रहे हैं। तो ये नज़ारा है, ये बिल्कुल मिड पॉइंट है, साइड से पूरा। आज मौसम धुंधला है, बारिश का मौसम भी है और धूप भी है कहीं कहीं। तो खैर मैंने तो आज बेड़ा उठाया हुआ है डल लेक दिखाने का। तो ये शिकारी देखें आप साइड पे डल के किनारे पे। वाह क्या व्यू है यार, वाह। तो अभी हम पहुंचे हैं जेटी नंबर 6 के पास। जेटी नंबर 6 है ये, घाट भी होते हैं और जेटीज़ भी। यहाँ तो जेटी नंबर 6 के यहाँ भी फाउंटेन्स हैं जो अभी बंद हैं। आप देखें, देख पा रहे होंगे सामने से क्या व्यू नज़र आ रहा है। म्यूज़िकल फाउंटेन एंड लेज़र शो पार्क, शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। तो क्योंकि अभी तो डे टाइम है, ये नाइट में चलते हैं, तो खैर आपको नाइट का व्यू भी कभी दिखाएंगे। अभी हम होटल सेंतूर के नज़दीक से गुजरे हैं, कश्मीर का पहला 5-स्टार होटल है ये, जो कि है तो स्टेट का था, लेकिन यानी खैर उस टॉपिक पर नहीं जाना है। तो ये पहला 5-स्टार था, अब तो और भी हैं। कश्मीर इंटरनेशनल सेंचूर लेक व्यू होटल, सेंचूर लेक व्यू होटल। तो कश्मीर में इसको सेंतूर के नाम से जाना जाता है, सेंतूर। तो ये सेंतूर के साइड से हम डल गेट की तरफ जा रहे हैं, डल गेट, डल लेक और डल गेट। डल लेक के लिए जो फर्स्ट गेट है उसको डल गेट कहा जाता है। हम इसलिए फ्री हो गए, आइए उधर। तो वो देखें कुछ फाउंटेन्स चल रहे हैं दूर उस तरफ। तो दिन में क्योंकि कलर्स उतने ज़्यादा लाइटिंग के, लेज़र लाइट का उतना इंप्रेशन नहीं पड़ता है, इसलिए उतने ऑन नहीं है। फिर भी कुछ ना कुछ टूरिस्ट के लिए रखा होता है ताकि टूरिस्ट देख सकें। तो शाम का व्यू, इवनिंग व्यू जो है वो बड़ा प्यारा होता है यहाँ का, कश्मीर का डल लेक का। तो जब भी आएँ दिन भर साइट सीन लगा के, शाम को आके डल का नज़ारा ज़रूर करें। थका तो होता है इंसान, लेकिन सारी थकावट जाती है, इस आदमी फिर से रिफ्रेश हो जाता है ये व्यू देखने से। तो आज ठंड का मौसम है, टेम्परेचर काफ़ी लो है यहाँ का, ठंड में ऐसा लग रहा है। व्यू अच्छा लग रहा है कि खाली ठीक लग रहा है? अच्छा जी शुक्र है, तुमने बोला अच्छा लग रहा है। ये पकड़े फिर चलाएं, बनाएं वीडियो, कैमरा हिलाना कम और बनाना ज़्यादा, वही होगा। तो वाह, यहाँ भी देखें कुछ फाउंटेन्स हैं। तो आप व्यू देख रहे हैं, डल के किनारे का व्यू है, जेटी नंबर 2 के पास हैं हम। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए जाएंगे हाउस बोट्स। वाह, एक पूरा शहर है यहाँ हाउस बोट्स का, ये तो दिखाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ लाखों की तादाद में हाउस बोट्स हैं जी, और ये सारी हाउस बोट्स जो हैं वो कश्मीर टूरिज्म के साथ रजिस्टर्ड हैं। कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, और इनकी करोड़ों में वैल्यू है। तो अभी चिनार घाट नंबर 18 है के लिए, क्योंकि अभी ऑफ सीज़न है तो उतना बढ़िया से नहीं चल रहा, लेकिन है फिश एक्वेरियम भी है, कुछ और भी है। तो यहाँ दिखाएँ, यहाँ चलेंगे नेहरू पार्क, कोई ना कोई टूरिस्ट मिल जाएगा। चलना, तो
व्यूअर्स, ये है डल लेक और ये दूर तक, ये दूर जो नज़ारा आ रहा है सामने, ये दूर नज़ारा वो शिकारे हैं यहाँ के। तो ये शिकारे हैं और वो हाउस बोट्स हैं, आप देख पा रहे होंगे वो हाउस बोट्स हैं। यहाँ सामने नेहरू पार्क है, नेहरू पार्क के साथ में। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ नेहरू पार्क का व्यू है। ये शिकारे वाले हमारे भाई हैं सारे। तो ये सामने की मार्केट नज़र आ रही है, मार्केट के साथ में एक मस्जिद है, सलमान फारसी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मस्जिद है, साथ में बिल्डिंग है। और ये एक घाट नंबर 15 के सामने का व्यू है, आप देख पा रहे होंगे। तो अभी मिलते हैं। चलो आ जाओ। तो दोस्तों मैं आपको दिखवा पा रहा हूँ कि यहाँ का ये डल लेक का व्यू है, नेहरू गार्डन के सामने का। यहाँ शिकारे यूँ कुछ झील में तैरते नज़र आ रहे हैं। अब देखें यहाँ का ये बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत खूबसूरत। यहाँ दूर दूर तक शिकारे नज़र आ रहे हैं और वहाँ दूर हाउस बोट्स हैं, हाउस बोट जिनमें नाइट स्टे का प्रॉपर इंतज़ाम है। और यहाँ की मेहमान नवाजी, कश्मीर की मेहमान नवाजी वर्ल्ड लेवल पे मशहूर है। जो मेहमान नवाजी यहाँ होती है वो और पूरे वर्ल्ड में इसके मुकाबले की नहीं होती है। अभी मैं आपको ये दिखाने के बाद एक पूरी वीडियो शूट करूँगा जो कश्मीरी वाजबान पे रहेगी, और कश्मीर के स्पेशल पॉइंट, स्पेशल रेस्टोरेंट जहाँ पे अच्छे वाजबान मिलते हैं वो भी दिखाऊँगा। तो हम नेहरू पार्क के लिए निकल रहे हैं दास्तान डिलेक्स शिकारा से, फैमिली साथ है, फैमिली के साथ मैं भी हूँ। तो दास्तान शिकारा डिलेक्स से जाएंगे, तो आपको दिखाएंगे ये पूरा व्यू। शिकारा में हमारे ब्लॉगर साहब शिकारा में बैठ के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे शिकारा के ऑपरेटर हैं दोस्तों, क्या नाम है? नज़ीर अहमद सर। नज़ीर अहमद, इशू को बस्ता नज़ीर अहमद। तो अच्छा, थोड़ा घूमना है कि खाली नेहरू पार्क? हमने पहले यहाँ पहले हमें वहाँ छोड़ो, हम वहाँ कुछ शूट करेंगे, बाकी बातें बाद में। पहले हमें वहाँ छोड़ो, हम वहाँ शूटिंग करेंगे, बाद में करना वापस आके शूटिंग मत से भाई। आगे दिखाएगा सर राउंड करके, हमारा एक प्लान है, हम उस प्लान से चल रहे हैं। अच्छा। तो यहाँ आपको शिकारा में बैठ के एक अच्छी खासी शॉपिंग मिल जाएगी। ये देखें आप हमारे तो बराबर में एक शॉपिंग करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये आपके लिए मैं कुछ दिखाता हूँ अच्छे अच्छे आइटम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है वसीम। तो आप हमारे मिस्टर वसीम जी से ज़रूर शॉपिंग करें, जब भी कश्मीर आएँ तो यहाँ इनके शिकारे में ये मैग्नेट जो अक्सर लोगों ने फ्रिज पे लगा रखे होते हैं, कश्मीर के ऊपर लगाओ कोई नहीं। हाँ ऐसा भी है। ये देखें आप क्या ज़बरदस्त बकेट दिखा रहे हैं, तो ऐसे बंद भी रहता है। वाह, तो ये देखो दूसरा होता है 5G। ये ले जी, ये देखें, ये इसको बोलते हैं 5G। 5G हाँ जी, ऑफ करें। ड्राई फ्रूट डाल, चॉकलेट, नमकीन वगैरह रखने के लिए मस्त चीज़ है। तो क्या बोलते हैं, तो बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं यहाँ। चलो जी, आपको अगर वीडियो बनाना है ना फिर शिकारा में आप घूमो फिर देखो वीडियो। यहाँ पे राइडिंग, शिकारा राइडिंग, फोटोग्राफी। अब हम नेहरू पार्क में हैं, तो मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाने की कोशिश करूँगा ताकि आप कश्मीर को समझ सकें। अभी धूप भी निकल आई है, अच्छा व्यू है, बहुत ही प्यारा। तो आप मेरे साथ बने रहें। ये देखें, ये टूरिस्ट निकले हैं घूमने के लिए, हम भी घूमेंगे। ये भैया इसको क्या कहते हैं? हाँ, मोटर बोट। चलिए मोटर बोट, चलिए भी। तो इसके क्या चार्जेस हैं पर हावर के हिसाब से लेते हैं? हाँ, एक राउंड का समझिए आपको 1000 रुपया राउंड का। 1000 रुपया राउंड का जी। चलो, तो राउंड कहाँ तक रहेगा? वो बोट तक, ये बच्चे भी चलाएगा अभी चलाएगा, राउंड रहेगा बोट तक। वो बोट हाउस बोट जो खड़ी है जी, तो दोस्तों वो दूर जो एक हाउस बोट खड़ी है आपको मैंने पहले भी दिखाई, फिर दिखा रहा हूँ, वहाँ तक के राउंड का ये 1000 रुपया बोल रहे हैं। तो जो भी आए ज़रूर इंजॉय करें। तो इस वक्त आए हम नेहरू पार्क में, नेहरू पार्क जहाँ पे घूमने के लिए
आगे हैं और आप लोगों को दिखाएंगे। ये नेहरू पार्क का व्यू है, वाह। तो हेलो भाई जी, कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से, कैसा लगा कश्मीर आके? बहुत अच्छा। ठंड तो नहीं लगी? लगी थोड़ी, तो ठंड तो है। ठंड तो है यहाँ, बिल्कुल ओके है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? कोई परेशानी नहीं। शिकारा में या कहीं और होटल में कोई इशू? कोई इशू। लोग कैसे हैं यहाँ के? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। हाय ब्रदर। हेलो, आपका शुभ नाम? सुपनील गायकोड़। सुपनील गायकोड़। गायकोड़, कैसा लगा कश्मीर? एकदम बहुत बढ़िया। कहाँ कहाँ घूमे यहाँ पे? अभी हम सुबह और लेक का घूमे, शिकारा राइड किया। हाँ। और नेहरू का, नेहरू गार्डन, नेहरू गार्डन देखा, डाल लेक, डाल लेक देखा। कैसा लगा? एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो सोच के आए थे उससे अच्छा है? उससे अच्छा है। थैंक यू। और हमारे लायक कोई सेवा, हम आपकी कोई सेवा कर सके? नहीं नहीं, कोई कोई इशू तो नहीं आया? किसी ने तंग किया? यहाँ के हालात कैसे हैं? ठीक है, अच्छे। कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। थैंक यू, थैंक यू। मैंने ये कुछ यहाँ पे टूरिस्ट आए हुए कश्मीर में, उनका व्यू भी दिखाया, तो ये सारे बहुत खुश हैं। इन्होंने अपना एक वाइट भी दिया आप लोगों ने जैसा कि सुना। तो अब आपको हम साथ में नेचर का दिखाएंगे। ये शिकारे की राइडिंग दिखा रहे थे, ये वाटर सर्फिंग, वाटर सर्फिंग। ओके, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये नेहरू पार्क में, ये जब आप राइडिंग पर जाते हैं, शिकारा राइडिंग पर, उससे पहले आप लोगों को यूँ यहाँ आर्टिफिशियल तरीके से सिखाया जाता है शिकारा राइडिंग का, कि आप यूँ शिकारे में बैठ के, भाई देसी भाषा में बोलें तो चप्पू चलाएं, तो यूँ चलाया जाएगा। देसी भाषा में अंग्रेजी हो चप्पू के। तो ये हमारे सर हैं। सर आप बताएं इसके बारे में कुछ, ये क्या हो रहा है? मैं खुद जर्नल स्टूडेंट बना रहा हूँ, ये एक्चुअली इनका ट्रेनिंग है। हाँ, इस तरह जब आप पानी में तो चलाएंगे, जी जी, ताकि किस तरह करेंगे, बैलेंस कैसे करना है, खड़े होकर कैसे आपको बोट चलाएंगे, बैठ कर कैसे करना है। ये जो सीख रहे हैं, ये हमारे कश्मीर से हैं कि आउट ऑफ स्टेशन से? ये सारे कश्मीर से हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, हम आपको कश्मीर के कुछ स्पेशल पॉइंट और स्पेशल स्टोरीज बता रहे हैं, आप मेरे साथ बने। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ फोटोग्राफी भी है नेहरू पार्क में, तो फोटोग्राफी के लिए सारा इंतज़ाम है, ड्रेसेस, कश्मीरी ड्रेसेस, कश्मीरी दस्तार, टोपियाँ, और लेडीज़ के लिए, लेडीज़ के लिए जो टोपियाँ हैं, बाकी लेडीज़ ज्वेलरी, कैप, ज्वेलरी, ये सब यहाँ पे आपको कल्चर फॉलो करते हैं, कल्चरल ज्वेलरी जो है वो मिलेगी। तो फोटोज़ हैं ये कुछ, मैं आपको दिखाऊंगा जो इन फोटोग्राफर्स ने खींच के डिस्प्ले में लगा रखे हैं, ताकि आप लोग इनसे अट्रैक्ट हो सकें और नई नई फ़ोटोज़ बनवा सकें। तो ये आपको मैं नेहरू पार्क का व्यू दिखा रहा हूँ, यहाँ साइड पे शिकारे हैं, हाउस बोट हैं, और बहुत ही प्यारा व्यू है। ठंड हो गई है जिसकी वजह से गला चोहक हो गया एक तरह का, तो हवा बहुत ठंडी है, यहाँ का वेदर ठंडा है, हमारे लिए तो ठंडा है। ये मोटर बोट्स हैं यंग जनरेशन यूथ जो इन्जॉय करना चाहते हैं स्लाइडिंग, उनके लिए सारे इंतज़ाम करके रखे हैं। ये हमारे हाउस बोट्स हैं जो कि यहाँ, इनमें रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और बहुत कुछ, नाइट स्टे का अरेंज है, खाने पीने का, हर तरह का यहाँ पे सुविधा मौजूद है। तो आप आएँ कश्मीर घूमें, इन चीज़ों का एंजॉय करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम नेहरू पार्क से वापसी की तरफ लौटे हैं। यूँ तो यहाँ पूरा दिन भी अगर राइडिंग करो तो कम है, यहाँ पॉइंट इतने हैं कि सारे आप देख नहीं सकते हो एक दिन में, तो बिल्कुल भी नहीं। तो जैसा कि मैंने बोला था कि हम फैमिली के साथ हैं, हमारे मिस्टर ब्लॉगर, मूड क्यों ऑफ है यार तेरा आज? जैसा कि आप देख रहे हैं, गार्ड नंबर 14 के पास से हम निकल रहे हैं, आपको नेहरू पार्क दिखाया, अब नेहरू पार्क के बाद हम आपको दिखाएंगे
डल गेट, तो डल गेट का एरिया दिखाएंगे। ये डल का साइड सीन व्यू है, आप देखते रहे हैं, मेरे साथ बने रहे हैं। तो यहाँ यूँ रोड साइड पे जो फुटपाथ है उस पे ये ठेले वगैरह भी हैं, ठेले रेडियो पे और ठेलों पे कपड़े सेल, गर्म कपड़े टूरिस्टों के लिए, टूरिस्ट घूम रहे हैं तो शिकारे वाले खड़े मिलेंगे। और आप लोगों की सहायता के लिए पुलिस भी यहाँ पे। बेसिकली ये जो हम सामने हाउस बोट देख रहे हैं, इनके बैक साइड पे भी एक बाज़ार है जो हाउस बोट में ही पूरा बाज़ार है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, कपड़े की मार्केट है। यहाँ बैक साइड पे जाके एक और जहाँ पे शिकारे बनते हैं वो फैक्ट्री भी मौजूद है, तो उसके लिए भी मैं एक ब्लॉग बनाऊँगा। अभी ठंड का मौसम है, ज़्यादा देर शिकारे में बैठा नहीं जाता भाई, ठंड बहुत लगती है पानी में, ठंडे पानी में ज़्यादा देर लग, ठंड भी ज़्यादा लगती है, तो थोड़ा सा वेदर चेंज हो जाए उसकी भी एक मैं ब्लॉग बनाऊंगा जो आपको दिखाऊंगा ताकि आप इंजॉय कर सकें। तो यहाँ हमारी इंडियन आर्मी अपनी ड्यूटी पे खड़ी है, ये देखें हमारे जवान आर्मी के अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं टूरिस्टों की हिफाजत के लिए। तो यहाँ कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है, कश्मीर के अंदर ये हिस्ट्री है क्या है टूरिस्ट को। तो एक बात जो है वो एकदम क्लियर है कि टूरिस्ट को ना तो यहाँ आर्मी पुलिस बेल्ट फोर्स पे तंग करेगा और ना ही यहाँ का कोई लोकल कश्मीरी या कोई किसी तरह का भी टूरिस्ट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है। टूरिस्ट अपने आते हैं, इंजॉय करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, नेचर का मज़ा लेके तो चले जाते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, इंजॉय करें, देखें ये कश्मीर के दूर दराज पहाड़ों तक जाएं, वहाँ एंजॉय करें, नेचर को, ब्यूटी को एंजॉय करें। तो आप मेरे साथ बने रहें, आप जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल का बटन ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो, मैं आपको अभी छोटी छोटी वीडियोस डालूंगा और भी यहाँ के कुदरती खूबसूरती को दर्शाती होगी। तो अभी गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, ये सब अलग अलग वीडियोस आएंगी, अलग अलग ब्लॉग्स आएंगे, तो ये सब आपको मैं दिखाऊंगा। ये देखें एचपी तैमूर, इंडोरा, नाइट एंगल, ये नाइट एंगल तो कई फिल्मों में भी दिखाई गई। तो उस पार का नज़ारा देखें आप, उस पार वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, इसके बाद होटल अकबर दिख रहा है, ये काफ़ी कुछ है जहाँ पे जो देखने का, नज़ारा करने की जगह। तो दोस्तों ये आ गया हमारा घाट नंबर 1, इसके लिए मैं कब कह रहा था कि हम भाई घाट नंबर 1 के बाद जा रहे हैं यार, ये है हमारा घाट नंबर 1। घाट नंबर 1 के बाद इस एरिए को डल गेट कहा जाता है, ये जो सामने का पॉइंट है ना, डल गेट यहाँ का नाम है। यहाँ कोई गेट नहीं लगा हुआ है कि आप कहेंगे भाई गेट कहाँ है, बेसिकली इस एरिए का नाम है कि यहाँ से डल स्टार्ट होता है। डल लेक का व्यू है, यहाँ चिनार हैं एकदम साथ में, ये देखें ये चिनार के दरख्त हैं। तो यहीं से हमारा डल गेट, डल लेक स्टार्ट होता है, तो डल का गेट यही हुआ। ठीक है व्यूज व्यूअर्स, मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों ये था हमारा श्रीनगर का एक छोटा सा टूर, आगे हम आपको दिखाएंगे गुलमर्ग, सोनमर्ग और बाकी भी जहाँ जहाँ नेचर और ब्यूटी हमें मिली हम आपको दिखाएंगे। अभी हम यहाँ ये वापसी का रिटर्न का जो नया नाश ये सॉरी काजीकुंड बनाहाल टनल बनाया उसका रिटर्न काजीकुंड साइट का व्यू दिखा रहे हैं क्योंकि वो हमने पिछली वीडियो में नहीं दिखाया था, तो वो हम इंटर कर रहे हैं। आप ये देखें जो काजीकुंड साइट से टनल का व्यू है, वहाँ कितनी बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है और कितनी, अभी तो इस सीज़न में बिल्कुल कम बर्फ़बारी हुई है लेकिन फिर भी यहाँ पे इतने इतने बड़े ढेर बर्फ़ के हैं, एकदम ये इसका साइडों पे बर्फ़ भी बर्फ़ दिख रही है। तो हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और देखते हैं सबसे पहला कॉमेंट कौन करता है। मोस्ट वेलकम।